जिला की अध्यक्षा महिला मोर्चा जिला अध्यक्षा रीता भगत जी, रानी जी और बहन पुष्पा जी जिनकी अध्यक्षता में बसंतपुर पंचायत घर में ये जो कार्यक्रम रखा गया है और मेरे समक्ष बैठी हुई माता एकत्रित हुई है, इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर आने का मकसद क्या है और कार्यक्रम क्या है उसके विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी। जैसे मेरी छोटी बहन गीता भगत जी ने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया कि मोदी जी की क्या क्या नीतियां हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं, उन्होंने माता शक्ति के लिए क्या क्या काम किए हैं, 3-tier सिस्टम आया है, किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है, BDC में वो है, पंच सरपंच वो बनी है, DDC में आज बहनें जो हैं वो उभर कर आगे आई हैं और बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही है। बड़ी बात कि हम लोग जो बात कहना भूल गए थे कि बड़ी गर्व के साथ हमें ये कहना गर्व महसूस हो रहा है, गर्व के साथ मैं ये कहूंगी कि हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है और गरीब परिवार से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। आपको पता है, सभी बहनों को पता ही होगा वो कितने निम्न वर्ग से थी, कितने छोटे परिवार और दलित समाज से वो बिलोंग करती थी और आज वो एक राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठी हुई हैं और ये उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है और हमारी मोदी जी की पारखी नज़र का, कहाँ से तराश कर लाया और हमारे देश के जो एक स्वर्णिम मुकुट है उसके अंदर उसी हीरे को जड़ दिया। अगली बार भी तो इलेक्शनों में है, मोदी साहब ने 370 तोड़ी, 370 तोड़ने के बाद जो 3-tier सिस्टम बनया, पहले उन्हें सरपंच के इलेक्शन कराए, फिर उन्हें BDC के इलेक्शन कराए, फिर उन्हें DDC के इलेक्शन कराए, ये 3-tier सिस्टम जिसे बनया सारी पहले की मान सम्मान दिता 370 से सारे पिछले पीछे की सारी जम्मू कश्मीर के जी उन्हें सारी बड़ी सारी मैं कहीं पूरे भारत का नक्शा चेंज हो गया सारी मोदी साहब और जिस तरह से काम करा रहे। कोरोना काल के बीच बड़िया पार्टियां क्या थोड़े घर कोई BJP के अलावा कोई कार्यकर्ता आया? मोदी साहब होने के सामने राशन फ्री दिता ना उसने, अगर जे मोदी साहब नहीं ना होते तो सारा देश नहीं बचना, लेकिन उन्हें बड़ी सूझबूझ करते जरा साढ़े लोगों का बचाव किया, घर घर उन्हें राशन दिता, मास्क बंटे और जोड़ा लेबर वर्क करते ही उनके खाते के जाचर पाया, पहले ही सिलेंडर मुफ्त देते, बड़िया सारिया ऐसा नीतियां जीडिया मैं कहनी तुम अज जुड़े रहे हो, तुम दिखते हो TV दिखा रहे हो, न्यूज़ पेपर दिखा रहे हो, उसके में सारा कुछ मोदी साहब ने दिखा, सारिया समझदार हो पढ़ी लिखी हो तुम्हें सारा पता है कि मोदी साहब ने क्या करा है, भैने एक मान सम्मान दिता, ये अलावा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाडली बेटी ऐसा सारिया स्कीम चलाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देखो कि पहले सारी जी बच्ची रेस हो कि घट हुई थी, लेकिन जल्द मोदी साहब ने यह स्कीम खोली अज सारी बच्ची के जमने के पैसे लगे थे और लोग अज अपनी जिले तक बच्ची जन्म लेने की स्कीम बचाई और गल करिए अब साढ़े इस प्रोग्राम की जिम्मे कि तुम्हें देखा ना कि साढ़े भारत की आजाद है 75 साल हो गए हैं उसके के तहत असं हर घर झंडा ला हर घर तिरंगा लाना। पहले अपने जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें औरतों को ये इज्जत दी है, ठीक है। तो हमारी जो है गीता भगत जी जो हमारे बीच महिला मंडल मोर्चा जो मतलब के एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब के जो नरेंद्र मोदी की इज्जत है वो सभी पे फैला रहे हैं औरतों के लिए, तो ये औरतें जो है मैं ये मतलब धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का जो हमें औरतों को जो इज्जत मिली है नरेंद्र।